तो आज का टॉपिक है डेट टाइम फार्मूला। और डेट टाइम फार्मूला में सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो डेट होती है वो कुछ नंबर्स होते हैं, ऐसे ये 1 जनवरी 1900 से लेकर अब तक के जितने डेज होते हैं तब तक के, उस डेट तक के, तो ये डेज होते हैं, ठीक है। और टाइम भी इसी तरह डेसिमल में होता है। 1 का मतलब होता है 24 आवर्स, और अगर उसको टाइम में देखते हो तो उसकी अलग डेसिमल वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो हम इसी पे ही कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इन पे वैसे तो कैलकुलेशन होती नहीं है, मैथमेटिकल थोड़ा सा टफ है। तो इसके लिए क्या कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि हम करंट डेट जो डालते हैं वो टुडे के फार्मूला से डालते हैं, या कंट्रोल सेमी कॉलन से आप करंट डेट डाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें से आपको डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, ठीक है। तो डे निकालने के लिए डे का फॉर्मूला है, ठीक है। मंथ निकालने के लिए मंथ का फॉर्मूला है, और ईयर निकालने के लिए ईयर का फॉर्मूला है। अगर आपके पास जैसे डे मंथ ईयर अलग अलग लिखा हो, तो कंबाइंड करने के लिए आपके पास डेट का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें पहला पैरामीटर है ईयर, देन मंथ, देन डे, ठीक है। तो ये आपका कंबाइंड हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें मुझे 2 दिन जोड़ने हैं, तो डेट में तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है, प्लस करके। पर अगर मुझे 2 महीने जोड़ने हों किसी डेट में, तो कैसे जोड़ेंगे? ई डेट का फॉर्मूला है, ई डेट का फॉर्मूला है, जिसमें आप पहले में डेट लेंगे और उसके बाद कितने मंथ जोड़ने हैं वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको वो डेट रिटर्न कर देगा। इसी तरह से अगर आपको 2 साल जोड़ने हैं, तो 2 साल के लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं है, ये ई डेट वाले में ही हम कर सकते हैं। कैसे? स्टार्ट डेट ले ली और जितना लिखा है उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दीजिए, ठीक है, तो 24 महीने हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डेट की ये कैलकुलेशन करते हैं। आप ये काम जो है डेट के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे डेट का फॉर्मूला है, जहाँ पे आप ईयर अलग से ले रहे हैं उसमें आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है। मंथ आपने लिया, प्लस कर दीजिए इसमें, ईयर डे लिया, प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और किसी डेट की एंड जानना है आपको कि लास्ट लास्ट वाली डेट कौन सी है, मंथ एंड की डेट कौन सी है, तो उसके लिए हमारे पास है ईओ मंथ, स्टार्ट डेट और मंथ। अगर सेम मंथ का आपको चाहिए तो 0 डालना पड़ेगा, तो उसी मंथ की डेट आएगी। अगर उसके अगले महीने का जानना चाहते हैं तो 1 डालेंगे, ठीक है, तो उससे अगले डेट से अगले पे चला जाएगा। अगर उससे प्रीवियस का जानना चाहते हैं तो -1 डालेंगे, पीछे में -2 -3 ऐसे भी चला सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे पीछे चलेगा, 0 करंट के लिए, मतलब जो डेट आपने रेफरेंस में दिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको डे जानना है, तो डे जानने के लिए आपके पास वैसे टेक्स्ट का फॉर्मूला है, टेक्स्ट का फॉर्मूला है आज, जिसमें फॉर्मेट टेक्स्ट में हम डे मंथ वैसे निकाल सकते हैं। तो हम डी 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 डाल के संडे मंडे ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। वीक डे का भी एक फॉर्मूला है आपके पास, जो आपका सेम काम करता है ये, और रिटर्न टाइप। इसमें आपने डेट का रेफरेंस दिया। रिटर्न टाइप में क्या होता है कि देखिए, नंबर 1 संडे थ्रू 7 सैटरडे, अगर आप यहाँ पे 1 देते हैं तो 1 संडे के लिए रिटर्न करेगा, 7 सैटरडे के लिए, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से मतलब संडे से वीक शुरू है, फिर 2 जो है वो मंडे से वीक शुरू है, ठीक है। 3 में क्या करेगा, 0 से शुरू होगा, 6 तक देगा नंबर, जिसमें मंडे का वीक शुरू होगा, फिर मंडे थ्रू संडे 11 डालते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन है आपके पास वीक डे वाले फंक्शन में, ठीक है।
वीक, हाँ जहाँ से स्टार्ट कराना है। एक आपका फंक्शन है वीक नम का, तो कौन सा वीक का नंबर कौन सा है, जैसे मैंने एक डाली तो कौन सा हफ्ता चल रहा है, वो आप वीक नम वाले फंक्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वीक बिगिंस ऑन संडे, हालांकि ये ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, 43वां हफ्ता है, वहाँ आप मतलब ये चूज़ कर सकते हैं कि वीक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट कैलेंडर जो हमारा सिस्टम डेट को मानता है, जैसे 2 तारीख आ गई तो इसी से ये हफ्ता रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, मंडे से शुरू करना है तो वहाँ वो दे सकते हैं हम। ठीक है, तो इसी तरह से ये बता रहा है कि ये उस साल का कौन सा हफ्ता है। अगर आपको चाहिए कि जैसे एक डेट के बाद कितने हफ्ते हो गए, कौन सा हफ्ता है ये, तो उसमें आपको उतना ही माइनस करना पड़ेगा। जैसे मतलब कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पहली वाली डेट आपकी कौन से में थी, 1 अक्टूबर 16, ये कौन से में थी, तो इसका वीक नम निकाल लेंगे हम और वही माइनस कर देंगे। जैसे 40 है तो अगर हमें वो पहला हफ्ता बनाना था तो इसको 39 से माइनस करना पड़ेगा, तो -39 कर देंगे तो ये आपका चौथा हफ्ता होगा उस महीने का। ठीक है, इस तरह से चलता है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लगती है इन सब में। ठीक है, इसके बाद डेट टाइम में और कौन से फंक्शन है वो देख लेते हैं। हाँ, अगर आपको जैसे कि आपने एक डेट को आप कहीं गए, 1 जून 2015 को गए, ठीक है, उन्होंने कहा कि आप मेरे से 30 दिन बाद कोई सामान आके ले लेना, 30 वर्किंग डे के बाद, तो वो कौन सी डेट पड़ेगी। ठीक है, वो निकालने के लिए आपका है वर्क डे, है ना, तो वर्क डे स्टार्ट डेट ले ली और डेज ले लिए हमने, तो 30 वर्किंग डे के बाद आपका ये वाला दिन पड़ेगा 13 जुलाई। अब ये क्या करेगा, बीच में सैटरडे संडे को छुट्टी मान लेगा, पर मान लीजिए, और एक और ऑप्शन है इसी में ही, क्या है, जो हॉलीडेज़ का, अगर बीच में कोई सरकारी छुट्टी होती है, तो मान लो कि जैसे ये जून का है, हैं, तो मान लो कि 15 जून, हाँ उस दिन संडे ना हो तो ठीक है, ऐसे ही लिस्ट बना के आप दे सकते हैं, एक साथ ड्रैग कर सकते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया तो ये 14 जुलाई आ गया। ठीक है, तो वो सरकारी छुट्टी आप अलग से कर देंगे। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि खाली संडे संडे छुट्टी है, सैटरडे नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या है, वर्क डे का जो फार्मूला है, 2 फार्मूले आते हैं, .intl मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन देगा कि वीकेंड कौन सा है आपका। ठीक है, स्टार्ट डेट चूज़ करेंगे, डेज चूज़ करेंगे, अब वीकेंड में सैटरडे संडे ऑफ है, संडे मंडे ऑफ है, मंडे ट्यूसडे ऑफ है, ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे ओनली, मंडे ओनली, जो भी चाहे वो दिन दे सकते हैं। ठीक है, और उसमें हॉलीडेज़ जो छुट्टी पड़ रही हैं वो आप दे सकते हैं सरकारी छुट्टी, तो ये आपका दिन पड़ेगा संडे संडे छुट्टी से। ठीक है, अब इसी का मान लीजिए रिवर्स कर लेते हैं कि हमें जानना है कि इसके बीच में कितने वर्किंग डे हैं, 2 डेट हैं आपके पास, बीच में कितने वर्किंग डे हैं, तो उसके लिए आपका फंक्शन यूज़ होगा नेटवर्क डेज। ठीक है, पर इन दोनों में जो आपका होता है एक का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो आप प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे वो 30 दिखा रहा है या 31 दिखाएगा, तो माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं। सेम फंक्शन आपका नेटवर्क डे .intl में है, अगर आपको छुट्टी अलग से, मतलब संडे ही ऑफ है खाली, संडे ओनली, और हॉलीडेज में मैंने ये चूज़ कर लिया, तो ये ठीक है। अब उसके बाद कई बार आप सरकारी फॉर्म भरते हैं,
मान लीजिए कि एक डेट है, इसमें किसी का जन्म हुआ, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आज की डेट में ये कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हुआ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? हाँ, तो इसमें डेज, मंथ, ईयर, तो कितने दिन का हुआ ये जानने के लिए डेटेड इफ का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ये आपका कहीं भी रेफरेंस में नहीं आता है, पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हल्का सा दिखाएगा कि मतलब इस तरह का फार्मूला है, ठीक है। इसका पैटर्न क्या होता है कि आपको स्टार्ट डेट चूज़ करनी होती है, एंड डेट चूज़ करनी होती है, फिर फॉर्मेट देना होता है कि ये फॉर्मेट रिटर्न करें। तो ये मैंने स्टार्ट डेट चूज़ की, एंड डेट चूज़ की, और उसके बाद मैंने दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में डी, तो ये मुझे टोटल डेज का डिफरेंस देगा अभी तो, ठीक है। मंथ चाहिए तो डेटेड इफ, एम ये टोटल मंथ का डिफरेंस दे देगा, ठीक है। डेटेड इफ ईयर के लिए ये ईयर का डिफरेंस दे देगा, वाई, ठीक है। पर हमें चाहिए कि चलो ईयर तो ठीक निकल गए 30 साल, महीने निकालने हैं और दिन निकालने हैं। तो दिन निकालने के लिए सबसे पहले कि डेटेड इफ में हमें क्या करना है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और ये जो फॉर्मेट होगा, हमें चाहिए कि मंथ के बाद, मंथ ख़त्म होने के बाद कितने दिन हुए, मतलब 16 को मंथ हो गया, फिर 17 से कितने हो गए, तो उसके लिए हमें लगेगा एम डी, ठीक है, मंथ के बाद दिन के लिए। तो ये 5 दिन, ठीक है, 22 अक्टूबर तक। उसके बाद आपको चाहिए कि मंथ कितने हो गए, वो भी ईयर ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए लगेगा वाई एम, कि ईयर ख़त्म होने के बाद मंथ कितने हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 साल 1 महीने 5 दिन, ठीक है। कई बार एक और फॉर्मेट इसमें चलता है कि वो दिन का होता है आपका, कि जैसे आप मंथ ख़त्म होने के बाद दिन गिन रहे हो, आप साल ख़त्म होने के बाद भी दिन गिन सकते हो कि तो टोटल साल से कितने दिन हो गए। तो उसमें जो फॉर्मेट लगता है वो आपका लगता है वाई डी, ये वाई डी, ठीक है। तो ये साल का डिफरेंस बता रहा है, सितंबर से अक्टूबर का, है ना। तो ये है, तो टोटल फॉर्मेट जो हमने देखे इसमें डी एम वाई एम डी वाई डी और वाई एम, ठीक है। ये हो गए आपके टोटल डेज, ये फॉर्मेट याद रखना है आपको बस, टोटल मंथ, टोटल ईयर, मंथ आफ्टर डेज, ईयर आफ्टर डेज, ईयर आफ्टर मंथ, ठीक है। तो ये फॉर्मेट लगते हैं आपके। इसके बाद कोई जैसे सीरियल में डेट पड़ी है आपके पास, जैसे ईयर आफ्टर मंथ, तो जैसे साल, हाँ, सितंबर से हम गिन रहे हैं ना, कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना। तो 1 महीना हो गया ना पूरा साल, जैसे जन्म हुआ तो सितंबर के बाद पूछते हैं ना कितने महीने का हो गया, तो 1 महीने का हो गया अक्टूबर में, हो है ना, सित 35, ये डेज है, ये साल ख़त्म होने के बाद है कि मैं इतने साल, हाँ, वो कंटिन्यूएशन ईयर में कितने दिन का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक होता है इसमें डेट सीरियल, तो जैसे कि कहीं,
आपके पास ऐसे डेट लिखी है, तो ये वैसे तो कंबाइंड नहीं होगी कंकैटिनेट करके, तो मतलब क्योंकि वो उसके सीरियल में नहीं आएगी, तो इस तरह को कंबाइंड करने के लिए हमारे पास होता है डेट वैल्यू। ठीक है, तो डेट वैल्यू में आप कंकैटिनेट करो डेट की फॉर्म में, हाइफन लगा देता हूँ इस पर। ठीक है, फिर कंकैटिनेट करता हूँ हाइफन, फिर एंड ये। ठीक है, तो अब मैंने ये डेट को इस तरह से डाल दिया, अब ये डेट को सीरियल उसमें उसके नंबर में कन्वर्ट कर देगा, तो आपकी एक्चुअल डेट बन जाएगी, क्योंकि निकालने का तो है, डालने का तो है ही नहीं, है ना। तो ये तरीका है। उसके बाद और देखते हैं। मेजर यही है, टाइम के दिखाता हूँ अब, डेट के जो है मेजर ये हैं, टाइम के देखते हैं अब। टाइम के लिए जैसे कि टाइम को अलग अलग करना है हमने, तो हमें क्या आर मिनट और सेकंड वापस कंबाइन करने के लिए टाइम है, तो टाइम में से आर निकालना है आपको, तो ये आर निकल गए। ठीक है, मिनट निकालने हैं तो मिनट का फॉर्मूला है, सेकंड निकालने हैं तो सेकंड का फॉर्मूला है। ठीक है, वापस कंबाइन करना है तो टाइम का फॉर्मूला है, जिसमें पहला आर लेगा, मिनट लेगा, सेकंड लेगा। ठीक है, इनका अगर आप फॉर्मेट वैसा कर देंगे तो ये उसी फॉर्मेट में भी दिखाएगा। यहाँ से मैं नंबर फॉर्मेटिंग में जाके टाइम में जाके विद सेकंड जो दिखा रहा है वो ले लूँ। ठीक, अब मान लीजिए इसमें मुझे 2 घंटे जोड़ने हैं, 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकंड टाइम में जोड़ने हैं, तो इसके लिए इसमें अलग से कोई फार्मूला नहीं है, वही जो हमने डेट के साथ किया था वही हमें टाइम के साथ करना पड़ेगा। टाइम के अंदर ही आर ले लो, इसमें प्लस कर दो, मिनट ले लो, इसमें प्लस कर दो, सेकंड ले लो, इसमें प्लस कर दो, तो ये आपका आगे के लिए। मैनुअल कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी होती है, 1/24 करके आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो टाइम में अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कुछ बंदे हैं उनका इन आउट टाइम निकालते हैं और उनका ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इन आउट, सबसे पहली चीज़ टाइम को लिखते कैसे हैं कि वो सही पड़े, जैसा मैंने इसमें पहले भी बताया था, जैसे अगर आप इसमें वैसे भी दे सकते हैं, जैसे 7:30 देना है कॉर्नर लगा के, ये आपका टाइम सही पड़ा है, यहाँ पे अगर AM PM में दिखाई दे जाए ना तो समझ लो सही टाइम पड़ा है। ठीक है, आउट में मैं 17:30 डाल देता हूँ, अगर आपको AM डालना है तो स्पेस दे के आपको AM टाइप करना पड़ेगा, साथ में करेंगे तो नहीं लेगा क्योंकि। ठीक है, तो ये 9 PM। ठीक है, इसी तरह से 10:30 और 19:35 11:20 और 16:30 टाइम डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इनका ओवर टाइम कैलकुलेट करना है कि 8 घंटे से ज़्यादा जिसने ड्यूटी की है उसको पर आवर 200 रुपये के हिसाब से मिल जाए, कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इनका डिफरेंस, इनको हमें ये जानना है कि कितने घंटे हुए काम करते, तो हम क्या करेंगे,
एक तो ऐसे भी ऐसे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें आर तो निकलेंगे पर थोड़ा सा गड़बड़ निकलेगा। सबसे बढ़िया तरीका है इसको आर के फॉर्मूला में डालो दोनों को, क्योंकि हमें तो नंबर में चाहिए ना, हमें डेसिमल वैल्यू में नहीं चाहिए। तो ये लेटेस्ट को ओल्डेस्ट से माइनस कर दो और ये आ गया आपका। अब ये नंबर में आर के अंदर डाल दिया, हर एक का निकल आया कितने घंटे हो गए। हाँ, फिर इफ़ का फॉर्मूला लगा दो कि अगर ये ग्रेटर देन 8 है तो क्या करना है, तो इसको माइनस कर दो 8 से और मल्टीप्लाइड कर दो 200 से, अदरवाइज 0 कर दो। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने लगाना है, ये आ गया कैलकुलेट करके। ठीक है, अभी इस फार्मूला में ये जो हमने आर का फार्मूला है इसको कॉपी किया और उस लिंक में पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया आपका सिंगल फार्मूला। ठीक है, इस तरह से करे जाएंगे। आर के अंदर करने से क्या होगा, डेसिमल वैल्यू जैसे कई बार 7:20 पे किया और 7:19 पे 7:21 पे छोड़ा उसने, तो मतलब वो बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, वैसे क्योंकि अगर हम 7 और जो आने वाले टाइम और जाने वाले टाइम के खाली आर से चेक करें तो नहीं निकलेगा, आर के बीच में डेसिमल वैल्यू डालने से एग्जैक्ट आर्स आएंगे। ठीक है, और उसको अगर मिनट में करना है तो मिनट को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाना पड़ेगा। टाइम की जो कैलकुलेशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कैलकुलेटिव रहती है बहुत। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका डेट एंड टाइम फॉर्मूला में। इसी की तरह से अगर आपके पास टाइम टेक्स्ट में है जैसे, और उसको एक करना है, हालांकि अब टेक्स्ट में क्या होगा क्योंकि टाइम का फॉर्मूले में AM PM होता है खाली, है ना, तो जैसे डेट वैल्यू था वैसे ही टाइम वैल्यू है हमारे पास, जैसे 2:30 PM। ठीक है, अब इसमें हमारे पास टाइम वैल्यू का फॉर्मूला है जिसमें हम टाइम का टेक्स्ट बना के, ये आपको सेम वैसा ही बनाना पड़ेगा जिससे वो टाइम लगे, कॉलन। अरे एंड ये, और इसके बाद यहाँ स्पेस होता है, फिर देन AM PM होता है। ठीक है, तो ये आपका तब निकाल देगा। ठीक है, तो ये आपका डेट टाइम फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखें कुछ और फॉर्मूले नेक्स्ट सेक्शन की है, तो मैथ्स के फॉर्मूले करते हैं। मैथ्स के फॉर्मूले में सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है ABS का, ABS किस लिए यूज़ होता है, एब्सोल्यूट। मान लो ये नंबर्स हैं आपके पास, अब जैसे आपको नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चाहिए तो ABS का फॉर्मूला है जिसको आप यूज़ करेंगे, ये आपको नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में दे देगा। ठीक है, एक आपके पास होता है रोमन का फॉर्मूला, जैसे आपको रोमन नंबर्स में चाहिए होते हैं ना नंबर कभी कभार, तो आप रोमन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपके पास रोमन नंबर्स हैं तो आपको ये नॉर्मल नंबर्स की तरह कैसे बदलने हैं मालूम है,
अच्छा इसको कहते क्या है, इसको तो रोमन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्योंकि अगर आपको पता है इसको कहते क्या है तो इसका फॉर्मूला है, इसको कहते हैं अरेबिक, ये अरबी लिपि है जो हम लोग नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं। इंडियन नंबर्स वैसे होते हैं, गोल से ऐसे, वन टू नीचे अलग होता है। नहीं इंडिया, हिंदी वाले अलग है, हिंदी ये नहीं है। अरेबिक इसको कहते हैं, ये नंबर सिस्टम अरेबिक है, अरबी भाषा अलग है, नंबर ये है। नहीं हमारा वाला है ना, वो हिंदी का तो है। अरेबिक नंबर, हु केम विद द नंबर सिस्टम, ये जीरो वाला जो फंडा होगा ना वो होगा कुछ। हाँ पर इसको अरेबिक कहते हैं, मैंने क्योंकि हमने जो शुरुआत में भी पढ़ा था ना क्लास व्लास में, तो यही था। तीनों दोनों है कुछ ना, था यार, अरे काउंट करते तो हम हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम, जीरो वन टू थ्री फोर एट नाइन बेस्ड ऑन द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। अरेबिक न्यूमेरल्स आर आल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक, ये इनको ही कहते हैं। ठीक है चलो छोड़ो, हमने क्या करना है, पर ये है कि ये इस नाम से आपको मिलेगा अरेबिक। इसके बाद है आपका है? 9। अच्छा, हाँ हो सकता है तो। हो सकता है, हाँ हो सकता है। हाँ और देखते हैं, चलो और फॉर्मूले काफ़ी सारे हैं इसमें मैथमेटिक्स में। एक है अपने पास सीलिंग और फ्लोर के फॉर्मूले, सीलिंग नंबर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस एक तरह से ये होती है कैपिंग, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 जब तक 7 आ नहीं जाएगा ये 7 ही रहेगा। ठीक है जैसे ही आगे बढ़ेगा ये 7 में आगे बढ़ जाएगा, ये आपको देखने में ही समझ आएगा। वैसे तो ये बेसिकली कैपिंग के लिए होता है सीलिंग का फॉर्मूला, ठीक है। हाँ और फ्लोर, फ्लोर भी सेम है बट ये एक पीछे चलता है, मतलब सीलिंग जैसे छत हो गई, फ्लोर आपका ये आपका नीचे वो फर्श हो गया, तो उसी तरीके से है। फ्लोर में भी 7 दे दिया, तो ये जब तक 7 आ नहीं जाता ये पूरा नहीं दिखाएगा, फिर आगे जब तक जैसे ही 7 और बढ़ेगा तब ये। ठीक है इसका बेसिकली यूज़ होता है जैसे बॉक्स की क्वांटिटी, किसी बॉक्स में कोई पैकेट जा रहे हैं वो क्वांटिटी को पता लगाने के लिए। जैसे आपने मतलब जैसे मान लेते हैं कि 7 का एक पैकेट है, ठीक है, तो अगर मुझे डिलीवरी देनी है या मुझे रिक्वायरमेंट है ये 15 पीस की, ठीक है, और 7 का बॉक्स आता है, तो मुझे कितने बॉक्स चाहिए होंगे, इसको डिवाइड 7 से कर देता हूँ तो ये पूरी टेबल बना देगा कि हाँ 3 बॉक्स चाहिए होंगे। ठीक है कर इसके साथ भी सकते हैं, इसके साथ केस अलग हो जाता है कि जैसे मुझे अब डिलीवरी देनी है, वो रिक्वायरमेंट ले रहा है वो डिलीवरी देनी है, ठीक है, तो मेरे पास अगर 15 पीस हैं
तो मैं कितने डिलीवर कर सकता हूँ बॉक्सेस? सिर्फ दो, ठीक है, एक कम में, मतलब पैक्ड हैं जो, ठीक है, ये इस तरह से है। इसी में फ्लोर और सीलिंग में हमारा पास ये है, जैसे सेकंड सैटरडे वगैरह निकालना है आपने, तो आपका जो है फ्लोर का मेथड लगता है उसमें, ठीक है। किसी डेट का अगर सेकंड सैटरडे निकालना है तो फ्लोर के मेथड से निकाल सकते हैं, किसी मंथ का सेकंड सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे, थर्ड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, उससे निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे वो दिखाता हूँ आपको, और फिर उसको बताऊँगा कि ये रीजन क्या है, कैसे निकालते। जैसे मैंने कोई डेट डाली, कोई भी डेट डाल दी, मैंने डेट के अंदर ले लिया ईयर, चलिए ईयर यहीं से ले लिया, मंथ यहीं से ले लिया, ठीक है, और एक तारीख डाल दी, मतलब वो मैंने उस महीने की पहली तारीख ले ली। इसको डाल दूंगा मैं फ्लोर के अंदर, ठीक है, सिग्निफिकेंस में डाल दूंगा 7, क्योंकि हफ्ता 7 दिन का ही होता है, ठीक है। और हाँ, 7 नहीं, पहली तारीख नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा 7 तारीख। तो ये मेरा पहला जो सैटरडे था वो इस तारीख को था। अब मुझे जानना है दूसरा सैटरडे कब है, तो 7 की जगह फ्लोर वाले फंक्शन में, ये डेट वाले फंक्शन में 14 डालूंगा। 8 अक्टूबर को सेकंड सैटरडे था, ये रहा, है ना। अभी पता कैसे ले रहा है, अब देखो, अगर थर्ड जानना है तो यहाँ पे 21 डालूंगा, 15 अक्टूबर को थर्ड था। इसी तरह फोर्थ फिफ्थ निकाल सकते हैं, पर ये कर कैसे रहा है? है? नहीं, ये पता है क्या कर रहा है, देखो जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ, ये लगा लीजिए कि मैंने इस पे फॉर्मूला लगाया था, फ्लोर का कहाँ लगाया, ये लगाया, विदाउट उसके लगा रहा हूँ, 7 सिग्निफिकेंस के साथ कर दिया। तो ये जब तक वो डेट हो नहीं जाती तब तक वो देता नहीं है, है ना, मतलब जब तक 7 पूरा नहीं हो रहा है ये दे नहीं रहा है, ठीक है। संडे से तो शुरू हो रहा है, सही बात है, तो 7 का मतलब यहाँ पे सैटरडे है। और जैसे मान लीजिए कि यही डेट है हमारी, इनको कर दिया मैंने, ठीक है। अब पहला हफ्ता जो है 7 ये है, ठीक है, 7 जनवरी 1900, उस दिन सैटरडे था, अगर आप चेक करोगे तो वही था। ठीक है, जहां 14 दिया मैंने डेट के अंदर, ये सेकंड सैटरडे हो गया मेरा, ये फर्स्ट सैटरडे, सेकंड सैटरडे, 21 में थर्ड सैटरडे, हाँ, और फोर्थ जो होगा वो 28 को होगा। अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आप समझ जाओगे इसको। अब ये जो सीरीज चलती जा रही है, ये आगे चलती जा रही है, ठीक है। मैंने 7 पे निकाला है, अब यहाँ पे सेकंड सैटरडे कब होना चाहिए आपका? फर्स्ट सैटरडे इस तारीख को, जहाँ ये 35 आ रहा है, क्योंकि ये 7 का डिवाइड करेगा ना, हाँ, सेकंड सैटरडे ये रहा, है ना। ऐसे ही उतने दिनों से पीछे आते आते, कहने का मतलब है कि हमारी पॉसिबिलिटी है कि 7 अगर तारीख मैंने डाली है तो जो सैटरडे होगा फर्स्ट सैटरडे वो उससे पीछे वाली डेट में ही होगा, तो जहाँ डिवाइड मार रहा होगा वहीं रुक जाएगा, ठीक है। 14 डालूंगा तो पॉसिबिलिटी है 14 के पीछे ही होगा, तो जहाँ डिवाइड कर रहा होगा वहीं रुक जाएगा, ये है।
हालांकि ये फार्मूला मैंने नहीं खोजा है, ये नेट पे ही है अवेलेबल, पर उसको बाद में मैंने इससे ऐसे समझा कि कर कैसे रहा है, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि डेट का अगर आपको फॉर्मेटिंग पता है कि कैसे चल रही है तभी ये फार्मूला समझ आता है। ठीक है, तो सीलिंग कॉम्बिन हमने देखा, इसके बाद आपका इवन ऑड का फार्मूला है, ये तो बहुत सिंपल फार्मूला है, ये इवन कर देता है हर नंबर को, मतलब एक बढ़ा के, ये मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ऑड वाला ऑड कर देगा। ठीक है, अगर आपको खाली पता लगाना है, वैसे ये इन्फॉर्मेशन फार्मूला है, तो इज इवन और इज ऑड के जो फार्मूले हैं वो ये पता लगाते हैं कि ये ऑड है कि नहीं, इवन है कि नहीं। ठीक है, इज इवन और इज ऑड। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स में देते हैं, इनको इफ के साथ यूज किया जा सकता है। इसके बाद है कॉम्बिन का फॉर्मूला, जो कि है पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने कहा मुझे, मेरे पास पांच लोग हैं, उनके मुझे तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं, तो मैं कितने पॉसिबल ग्रुप बना सकता हूँ, मतलब उनका वो करके, तो नंबर टोटल और ये चूजन नंबर चूजन, तो 10 अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। पांच नाम करो आप, उनको ऊपर नीचे करके 10 अलग अलग तरह के बना सकते हो। ठीक है, तो ये कॉम्बिन है। एक है आपका फैक्टोरियल निकालने का, फैक्ट का फार्मूला, इसमें नंबर देंगे फैक्टोरियल निकालता है। फैक्टोरियल क्या होता है, हाँ वो पीछे तक सारा मल्टीप्लाई कर देता है, इनको मल्टीप्लाई करके ये दे देगा, और फैक्ट डबल एक छोड़ के करेगा मल्टीप्लाई, तो ये मतलब 5, 3 और 1 ऐसे। ठीक है, बाकी ये कॉज साइन इनको तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, GCD LCM, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, GCD आपका हो गया जैसे 15, 30, हालांकि ये फॉर्मूले हमेशा मुझे भी खुद भी कंफ्यूज कर देते हैं। 30 पे कौन, 6 से कौन कौन से जाते हैं, 3 से 5, 15, 15, 18, चलो ऐसे कर देते हैं। GCD नंबर 1, नंबर 2, 3 पे ये दोनों ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल हो गया, और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर हो गया जहाँ पे ये दोनों का मतलब टेबल आता है जिसमें। ठीक है, 15, 6, 90 और 18, 5, 90 होता है ना, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ये है, कॉमन होना चाहिए कॉमन मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये ज़्यादा ही मैथ हो गई इसमें, पर ज़रूरत पड़ जाती है इनकी। अब उनको देखते हैं कि कई बार हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या कहते हैं, राउंड करने की, राउंड करने के लिए कितनी तरह के फंक्शन होते हैं अपने पास। तो अपने पास है राउंड का फंक्शन तो है ही, इसमें थोड़ा सा डिजिट पढ़ा लेते हैं। राउंड
नंबर ऑफ डिजिट चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितनी चाहिए, अदरवाइज आप ज़ीरो भी रख सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ तक आपको राउंड करना है। तो राउंड अप डाउन ये ऑटोमेटिक करता है, 5 से ऊपर या 5 से नीचे पे, 5 से ऊपर होता है तो प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो इसी की तरह से आपके पास राउंड अप और राउंड डाउन करने के लिए अलग अलग फंक्शन भी हैं, कि आपको राउंड डाउन राउंड अप ही करना है तो आपके पास अप का फंक्शन है, ठीक है, मतलब जब पैसे लेने हो तो ये वाला फार्मूला लगा था और देने के टाइम पे आप डाउन का लगा दो। ठीक है, राउंड डाउन की तरह एक हमारे पास फंक्शन है इंट का, हालांकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके नहीं है, इसके लिए बना नहीं है, पर ये क्या करता है, डेसिमल कंटेन नहीं कर सकता तो राउंड डाउन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ट्रंक भी यही काम करता है, ये उसी की तरह छोड़ देता है, नंबर ऑफ डिजिट भी देने होते हैं, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन आपके एक जैसे काम करते हैं, राउंड राउंड अप, फिर ये आपका राउंड डाउन, इंट और ट्रंक, ठीक है। आप ये राउंड को जो है माइनस में भी चला सकते हैं, जैसे आपने कई बार देखो 12456, तो मतलब मुझे 100 के उसमें करना है या 10 के उसमें करना है, तो मैं इनको माइनस में चला सकता हूँ, राउंड को नंबर ऑफ डिजिट्स को मैं माइनस कर देता हूँ कि -2, तो ये 2 डिजिट तक राउंड कर देगा, ठीक है, आगे वाली सीधा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 446 कर दूँ तो ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 1000 के लिए भी कर सकते हैं 12000, और अगर यहाँ 500 कर दिया तो ये 13000, ठीक है। तो इनको माइनस में भी चलाया जा सकता है इसके, हाँ मतलब ये इसमें, हाँ मतलब है साइन माइनस का, पर ये प्लस वाली फिगर को वो करेगा। मोड क्या होता है, आपका रिमाइंडर होता है, जैसे 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करो, 2 को अगर 5 से, मतलब एक रिमाइंडर बचेगा आपका, ठीक है ना। तो मोड वही रिमाइंडर बताता है कि शेषफल कितना है, नंबर क्या है, डिविजिबल कौन सा है, और ये रिमाइंडर बताता है, ठीक है। पाई का फार्मूला है, अगर आपको पाई की वैल्यू चाहिए, रेडियस निकालने के लिए यूज़ होता है सर्कल की, हाँ। पावर का फार्मूला है, अगर आपने पावर निकालनी है किसी की, जैसे 3 की पावर 2, तो ये, ठीक है। इसके अलावा रेंट बिटवीन आपको पता ही है, ठीक है। सम वगैरह वो एक साथ ही करेंगे, सम प्रोडक्ट देख लेते हैं और सब टोटल देख लेते हैं। सब टोटल मालूम है, हाँ, सम सब पहले देखते हैं, सम प्रोडक्ट क्या करता है। जैसे आपके पास कई बार होता है रेट और क्वांटिटी, ठीक है, मान लो रेट क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिख दी, अब अमाउंट निकाला तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट का फार्मूला है जो मल्टीप्लाई ही करता है, ठीक है। 2 नंबर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, प्रोडक्ट का फार्मूला, कुछ खास नहीं है। पर अब ये मैंने निकाल लिया ग्रैंड टोटल, ठीक है। ये ग्रैंड टोटल के लिए आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ा, पर वो सम प्रोडक्ट के ज़रिए अगर आप यूज़ करेंगे तो वो सम और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें बस आप रेट इकट्ठा दे दीजिए
और ये क्वांटिटी इकट्ठी दे दीजिए, ठीक है। ये अपने आप आपको ये वैल्यू दे देगा, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो सम प्रोडक्ट है। सब टोटल कहाँ यूज़ करते हैं? सब टोटल सेल्स मार देते हैं कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए कि कई बार आपको क्या होता है ना, आप फिल्टर लगा लगा के उनकी समरी देखना चाहते हैं, टोटल दिखाना होता है आपको, कि जैसे यहाँ पे मैं एक फील्ड ऐड कर देता हूँ टोटल, और यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल सम का फॉर्मूला रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सब टोटल का फॉर्मूला रखता हूँ। सब टोटल में आप ये काउंट एवरेज सब निकाल सकते हैं, हमें करना है सम, ठीक है, और रेंज हमने सेम चूज़ कर ली, ठीक है, ठीक है, 2 लगा दिए। अब जब आप फिल्टर करेंगे इसको, तो जो फिल्टर डाटा है अगर हमें उसका ही देखना है केवल, तो ये आपको दिखाता है सब टोटल का फॉर्मूला, इसलिए यूज होता है ये रहा, ठीक। हाँ, क्योंकि इसके लिए लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके बार बार यहाँ से देखते हैं, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो आप फिल्टर कर रहे हो वो यहाँ से देख सकते हो, ये आपका काउंट एवरेज जो भी करना है वो कर सकते हैं सब इससे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैथमेटिकल फॉर्मूले में इतना ही है। ठीक है जी, तो आज के लिए ख़त्म करते हैं।